बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नबील चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा आज का व्लॉग। आज का व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट है। सुबह का वक्त है, वॉक के लिए हम निकले हुए थे और आप देख सकते हैं सामने सूरज निकल रहा है और सुबह की ठंडी हवा, उसके साथ साथ वॉक। सुबह का वक्त भी आप देख सकते हैं, अगर बंदा उठे सुबह टाइम और वॉक करे सेहत के लिए भी अच्छा है और वैसे भी मेंटली बंदे को सुकून देता है। और आपको बताने का मकसद ये था कि मैं चूँकि अभी काफ़ी हेल्दी हो गया हूँ, 110 kg मेरा वेट हो गया है, तो मैंने सोचा है अब इसे काम करूँगा, साथ भी इस जर्नी को शेयर करूँगा। डेली मैं आपके साथ वीडियो शेयर किया करूँगा इस हवाले से। अभी आप सुबह का मंजर इंजॉय करें, बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये जी हमारे गांव के साइड पे जो ज़मीनें हैं उनका मंज़र है। अभी ये ज़मीनें गंदम की काश्त के लिए तैयार हो रही हैं और आलमोस्ट तैयार हो चुकी हैं। ये एक दो ज़मीनें हैं जिन पे अभी फ़ाइनल हल दे के उसके बाद इसको बीज बो दिए जाएंगे। तो ओवरऑल भी यही सीन है। कुछ लोगों के यहाँ डेरे भी हैं, वो सामने बना हुआ है, कभी उसका भी आपको विज़िट कराऊँगा, बड़ा ही प्यारा डेरा है। बाकी सात सुबह का मंजर एंजॉय करें। ये जी गन्ना काश्त किया गया है और ये तैयार हो चुका है। क्योंकि हमारे एरिया में शुगर मिल्स मौजूद नहीं हैं तो ये गन्ना जो है ना ये चारे के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और अभी रुझान ये 7-8 साल से हमारे एरिया में हुआ है। वैसे तो यहाँ पे गंदम बाजरा वगैरह काश्त किया जाता है, इस दफ़ा गन्ना काश्त किया गया है और काफ़ी अच्छी फसल जो है ना वह गन्ने की तैयार हो चुकी है। वो दूर तक आप देख सकते हैं, उधर भी देख सकते हैं आप। आज चूँकि छुट्टी है हमें, तो इसलिए हम जो है वो आज अपना रूट जो है वो थोड़ा लंबा कर लिया और ज़्यादा वॉक की है, तकरीबन 1.5 घंटा हमें हो गया है। तो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे मज़ीद आधे घंटे के लिए, उसके बाद हम घर जाएंगे। जी तो व्यूवर्स, ये हमारा बेसिक रूट जिस पे हम डेली वॉक करते हैं, थोड़ा सा कच्चा एरिया और आगे रोड शुरू हो जाती है। तो अभी जो हमने आज रूट अपनाया वो मेरा ख्याल था कि 3-4 किलोमीटर हमने कर लिया, लेकिन जब मैंने चेक किया डिस्टेंस तो वो 5 किलोमीटर कवर कर चुके हैं हम। तो चूंकि मेरे साथ कंपनी थी, गपशप लगाते हुए हमारा टाइम अच्छा गुजरा है, हमें पता ही नहीं चला सफ़र का। तो इसी तरह से आप भी कोशिश करें कि अच्छा दोस्त, अच्छी कंपनी अपने साथ ले कर चलें और वॉक करें, सेहत भी बनाएँ और अच्छी यादें भी बनाएँ। बहुत शुक्रिया।